कि एक बार पूज गुरुवर से पूछा कि भगवान ये कमठ की बुद्धि पार्श्वनाथ के ऊपर तो बैरी की थी, पार्श्वनाथ की बुद्धि कमठ को लेकर के कैसी थी? भगवान पार्श्वनाथ कमठ के बारे में क्या सोचते थे? तब गुरुवर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। गुरुवर कहते हैं पार्श्वनाथ कमठ को अपना शिष्य समझते थे। शिष्य कैसे समझते थे? वो तो उनके ऊपर उपसर्ग करता था। बोले ऐसा ही होता है, पार्श्वनाथ ने एक भाव में, दो भाव में, तीन भाव में नहीं, पार्श्वनाथ को अपने उस कर्मठ शिष्य को समझाने में 10 भाव लगे। जैसे छोटा सा कोई उद्यमी बच्चा आपके घर के अंदर होता है ना, महाराज के पास ला करके बोलते हैं महाराज बहुत उधम करता है, परेशान हो गए इससे। जैसा आपका बच्चा आपके साथ उधम करता है फिर भी आप अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ते, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ ने कमठ का साथ नहीं छोड़ा। हर पर्याय में कमठ की धैर्य से समझाने की कोशिश करी और अंतिम पर्याय में भगवान पार्श्वनाथ सफल हो गए कि वो कमठ जो भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग करता था उसी कमठ ने प्रभु पार्श्वनाथ के समोषण में संयम ग्रहण कर लिया। बंधु ये कितनी बात थी कि हमारा बच्चा आज नहीं मान रहा है, कल नहीं मान रहा है, परसों नहीं मान रहा है, आगे भी नहीं मान रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा मौका आएगा जब हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझा करके और व्यवस्थित कर सकते हैं। परिवार के अंदर आप लोग बच्चों के साथ बहुत जल्दी उम्मीद छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी, महाराज इस बच्चे के साथ रह नहीं सकते, क्यों? इसने जीना हराम कर दिया है। हमारे परिवार वालों ने भी हमारे साथ उम्मीद छोड़ दी थी। हम आपको अंदर की बात बताते हैं, वो बोले लड़का जो है वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। पिताजी ने उम्मीद छोड़ दी, आचार्य सी जी को थोड़ी सी उम्मीद दिख गई। आचार्य सी जी को वही चीज़ होती है, एक की फेंकी हुई वस्तु एक का जीवन बनाती है। घर वालों को लगा कि इसमें कोई उम्मीद नहीं है, गुरुदेव को लगा कि थोड़ी सी उम्मीद है, यहाँ से इसकी दीपक दिए में रोशनी की जा सकती है। और गुरुवर ने उसी छोड़ी हुई चीज़ को साधारणता तरीके से पकड़ा, धीरे 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 जैसे एक अनगढ़ पाषाण को शिल्पी रोज़ थोड़ा थोड़ा संवारता है, और संवार करके निरंतर 20 साल तक मुझे घिसा गुरुवर ने, उसके बाद आकर के आपके जीवन में बिनम सागर महाराज दिखाई दे रहे हैं। पिता को अगर उम्मीद होती कि मैं ऐसा निकल सकता हूँ, क्या मुझके छोड़ते? छोड़ते क्या बताओ? बोलते भैया पकड़ के रखो। क्यों? आसामी तगड़ा है, जो पूरे देश को मोटिवेट कर सकता है, पूरे देश को समझा सकता है, पूरे देश को सिखा सकता है, वो क्या हमारे घर का 2-4-6 लोगों का परिवार नहीं चला सकता? चला सकता है, लेकिन वक्त से पहले देखने की कला किसी को आती है तो गिने चुने लोगों को। आप जिस चीज़ में उम्मीद छोड़ देते हैं, गुरुदेव, गुरु, कोई भी आपके घर के अंदर आरिका चातुर्मास कर रही हैं, मुनि महाराज चातुर्मास कर रहे हैं, वो सब उसमें उम्मीद देखते हैं। हम भैया महाराज जी हमसे नहीं संभलता, हम कहते कोई बात नहीं, हम उसका कहते ना अपना बच्चा हमारे पास छोड़ दो, हम सुधार ना दे तो नाम नहीं। जैसे हम रख लेते हैं तो आपका दिल दुख दुख करता है, ज़्यादा ना सुधार दें। अब ज़्यादा सुधार दें तो भी दिक्कत है, बच्चा शराब पीता था, रात में लेट आता था, सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था, गाली गलौज करता था, आपसे नहीं संभलता था, आपने माथा कूट करके हमारे माथे छोड़ दिया। महाराज जी 15 दिन के लिए अपना लड़का आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, हम बहुत त्रस्त हैं, आप संभालियो। अब 15 दिन के लिए छोड़ गए तो 15 दिन का इंतजार तो करो। 10 ही दिन बाद वापिस आ गए, महाराज जी थोड़ी काम तो लेबे आ गए। हमने पूछा सही बताओ क्यों लेने आए, क्योंकि जिस दिन छोड़ने आए थे उस दिन तो खूब रो रहे थे। महाराज हकीकत बताएं आप, किसी से बताएंगे तो नहीं, अब हम उसका नाम बस नहीं बता रहे, बस बाकी बात तो बता देते हैं। वो बोलता है रात में सोते सोते में पत्नी ने उठाया, और पत्नी सोते में से रात को 1:30 बजे बोलती है भैया अपने भैयू को वापस ले आओ। क्यों? महाराज को कचु भरोसा नहीं है, ज़्यादा सुधार दो तो मोड़ा हाथ ही में ना आ है, बिगड़ो है तो कम से कम घर में तो है। ये देखो किसने उठाया? लोभ ने, लोभ ने उठाया। बंधुओं रात को 1:30 बजे पत्नी पति से कह रही है कि उठा के लाओ। क्यों? उसको ले आओ महाराज के पास, से ज़्यादा सुधार दिया तो अपने पास ही नहीं आएगा, अगर अपने पास नहीं आया तो भी अपनी ये संपत्ति आगे कौन संभालेगा। ऐसा भी जीवन होता है बंधु,
अपने अपने घरों में कंक्लूजन बस इतना ही है, अपने जीवन को संवारने का प्रयास करिएगा।